हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस जानेंगे जो कि एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, ये सेंटेंसेस देखने से पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इंग्लिश में हम वर्ड टू वर्ड हर चीज़ को ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, राइट? तो हमें कुछ कुछ चीज़ों को याद करना पड़ता है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, वो खाने में बहुत नखरे करता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे He is a picky eater. He is a picky eater. मतलब पिक कर करके खाता है, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, चूज करके खाते रहता है। उसी तरह अगर हमें कहना है उसके कपड़ों में बहुत नखरे हैं, यानी कि कपड़ा भी ना, ये कपड़ा पहनूंगी, वो नहीं पहनूंगी, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे She is very picky about her clothes. नेक्स्ट है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो हम इसे बोलेंगे I don't know much about it. नेक्स्ट सेंटेंस है, या पता चल रहा है क्या? देखिए, मान लीजिए आपका कोई कपड़ा है, वो कहीं से फटा हुआ है, जला हुआ है, और उसे ही हम लोगों ने पहन लिया है, तो हम दूसरे से पूछते हैं कि पता चल रहा है क्या? तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इज इट नोटिसेबल, इज इट नोटिसेबल, यानी नोटिस हो रहा है क्या? नेक्स्ट है, मेरे सर में दर्द है, आई हैव अ हेडेक। देखिए, ए सी एच ई एक मतलब ही होता है पेन, दर्द। नेक्स्ट है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, क्या आपके होश ठिकाने हैं, आर यू इन योर सेंसेस। यह एक ज़रूरत बन गई है, इट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी। जैसे इंग्लिश एक ज़रूरत बन गई है, इंग्लिश हैज़ बिकम अ नेसेसिटी। यह कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क। और कुछ है आपके पास, एनीथिंग एल्स डू यू हैव। उसे अपने आप सीखना होगा, ही विल हैव टू लर्न हिमसेल्फ। यहाँ किस काम से आए हो, वट ब्रिंग्स यू हियर। इतने दिनों से कहाँ थे, वेयर हैव यू बीन ऑल दिस डेज। मैं आसपास ही था, आई वॉज अराउंड। नेक्स्ट है, संतरा छील दो, पील ऑफ द ऑरेंज। आलू छील दो, पील ऑफ द पोटैटोज। किसी और से पूछो, आस्क समवन एल्स। मजाक मत करो, डोंट जोक। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। क्या तुमने देखा, डिड यू सी। क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। मुझे बुरा लग रहा है, आई एम फीलिंग डाउन, या फिर आई एम फीलिंग सैड। मुझे एक लेने दो, लेट मी हैव वन। इसे ठीक करा दो, गेट इट रिपेयर्ड। काश मैं वहाँ होता, आई विश आई वॉज देयर। मेरे हाथ गीले हैं, My hands are wet. चालाक मत बनो, don't be smart. वह मुसीबत में है, he is in trouble. वह तुम्हारे जैसी दिखती है, she looks like you, या फिर she resembles you. कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, no need to say anything. यह सब तुम्हारी गलती है, this is all your fault. मेरी तबीयत ठीक नहीं है, I don't feel well. आप बहुत मजाकिया हो, यू आर सो फनी। आप मेरे सब कुछ हो, यू आर एवरीथिंग टू मी। ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं किसी से, दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक टू एनीवन। ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं सबके सामने, दिस इज़ नॉट द वे टू लाफ इन फ्रंट ऑफ ऑल, या फिर दिस इज़ नॉट द वे टू लाफ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ऐसे थोड़ी ना कहते हैं, दिस इज़ नॉट द वे टू से। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। धीरे धीरे तुम ये सीख जाओगे, ग्रेजुअली यू विल लर्न दिस। ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे। क्या आप भूखे हो, आर यू हंग्री। क्या आपको यकीन है, आर यू श्योर। क्या आप दवाई बेचते हो, डू यू सेल मेडिसिन। क्या आप क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। नींबू निचोड़ दो, स्क्वीज द लेमन। स्क्वीज मीन्स होता है निचोड़ना। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपना बाल कटवा लो, गेट योर हेयर कट। नेक्स्ट है, मुझे खाने का मन नहीं करता है, आई डोंट फील लाइक ईटिंग। कौन हंस रहा है, हु इज लाफिंग। देरी मत करो, डोंट डिले। अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना पैर मत खसीटो, डोंट ड्रैग योर फीट। नहाने का समय हो रहा है, इट इज़ टाइम टू टेक अ बाथ। ऐसे चेहरे मत बनाओ, डोंट मेक फेसेस। अपने जूते पहनो, पुट ऑन योर शूज। तमीज से बात करो, बिहेव योर सेल्फ।
अपने कपड़े बदल लो, चेंज योर क्लोथ्स, मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग. सो गाइज, दिस वॉज इट इन दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.